गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार है ना, इसको पढ़ेंगे। ये जो है आपके शब्दों का, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं वर्ण। जैसे का, खा, गा, घा, आ, ई, उ, इनके उतना जो है टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि कमल, मान लीजिए लिखा है कहीं पे कमल, और कमल के अगर तीन हिस्से हम करते हैं, का अलग करते हैं, मा अलग करते हैं और ला अलग करते हैं, तो आप अब इसके टुकड़े कैसे करोगे? का हिस्सा नहीं हो सकता, माँ का हिस्सा नहीं हो सकता, आ का हिस्सा नहीं हो सकता। तो जो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो सबसे छोटा जो है हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहा जाता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार, ये दो हिस्सों में बटा है वर्ण, जो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि स्वर है आपका आ, आ, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, ओ, ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके स्वर, क्योंकि इनके ही सहायता से हम व्यंजनों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। इनकी सहायता के बिना हम उच्चारण नहीं कर सकते व्यंजनों का। जैसे व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, ये जो है आपके क्या हैं? ये व्यंजन है। अब अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको किताब, जिनके पास नहीं है तो उसको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उसको प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अयोगवाह यानी कि स्वर के योग से चलने वाले वर्ण, जैसे कि आ, अंगा और अंगहा को अयोगवाह कहा जाता है। आ अर्थात स्वर के बिना इसका उच्चारण संभव नहीं है। अंगा का में को अनुसार कहते हैं और अंगहा को विसर्ग। इन दोनों के उच्चारण के बाद, इन उच्चारण स्वर के बाद ही आता किया जाता है। यानी कि जो आ है, यानी कि जो है छोटा आ, छोटे आ के बिना हम किसी का भी उच्चारण नहीं कर सकते। और इसको अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको लिख के भी बता दूंगी कि कैसे किया जाता है ना। इसमें चाहे वो अंगा हो और चाहे वो अंगहा हो, यानी कि अंगा यानी कि जिसमें अनुसार, जिसमें कि ऊपर बिंदी लगती है, अंगा जिसमें कि विसर्ग लगती है। आह का जो स्वर आता है वो विसर्ग वाले में आ जाता है ना। स्वरों की मात्रा, अब आप इसको देख लीजिए, स्वरों की मात्राएं। परिभाषिक शब्दों में स्वरों को निश्चित चिन्हों से को मात्रा कहा जाता है। यानी कि जो स्वर हैं हमारे, उनके एक निश्चित चिन्ह हैं, यानी कि निशान हैं, जिनको कि हम मात्रा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इस आ के बिना हमारा कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। इसी के सहायता से हम हर व्यंजन का उच्चारण करते हैं। उसके बाद आते हैं बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा कौन सी है? ये सीधी खड़ी पाई, जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद छोटी ई, छोटी ई के निशान ये है चिन्ह, बड़ी बड़ी की ये है निशान। तो ये सभी हमारे जितने स्वर हैं, इन स्वरों की सबकी ही निश्चित चिन्ह है, जिनको हम लोग लगाकर इनका उच्चारण करते हैं। हर जगह हम इनको खुद प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इनके लिए बनाए गए जो हमारे चिन्ह हैं उनको हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद हमारे तीन होते हैं।
पहला है ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा, एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है लुप्त स्वर यानी कि जो है ह्रस्व स्वर, जो कि हम छोटी मात्रा यानी कि एक सांस का ही समय लगता है उसको बोलने के लिए, जैसे कि अ ई उ ओ री, ये हमारे छोटे छोटे स्वर हैं जिनको बोलते समय एक सांस का समय लगता है और इनको हम बोल लेते हैं यानी कि एक मात्रा का ही समय लगता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि इन स्वरों में थोड़ा सा दो मात्राओं का यानी कि दुगना समय लगता है। जो हमने अभी बोला था एक मात्रा का समय आ, अब बोलते हैं आ ई ई, तो ये जो है थोड़ा सा फर्क है दोनों को बोलने में। अब आते हैं लुप्त स्वर। जो लुप्त स्वर है यानी कि इनको, इस स्वर को बोलने के लिए तीन मात्राओं का समय लगता है, जो कि इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है, अधिक होता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो है ये ओम। ओम बोल के देखिए, सारे समय सारे स्वरों के बोलने से सबसे अधिक समय ओम शब्द बोलने में ही लगता है। तो आज हमने स्वर पढ़ा है, स्वर के जो है प्रकार पढ़ लिए और हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया। वर्ण हमारे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर भी दी है उसको आप देख सकते हो, स्वर वर्ण नीचे दिया हुआ है सर्किल में, उसके बाद है इधर स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हमने आज स्वर कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन देखेंगे। इस वीडियो को आप दो बार तीन बार देखिएगा ताकि आपको इसमें जो भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।